स्टूडेंट, आज मैं आपको पत्र कराने जा रही हूँ हिंदी टॉपिक, हिंदी सब्जेक्ट के अंतर्गत, जिसमें आपको पहले मैं क्वेश्चन बताती हूँ कैसे आता है। संपादक के लिए पत्र लिखना है हमें, जैसे आपके क्षेत्र में बिजली की व्यवस्था सही नहीं है, संपादक को पत्र लिखें। अब देखिए, अब इसमें संपादक कौन होता है? संपादक जो है वो किसी ना किसी न्यूज़पेपर का, अखबार का क्या होता है, संपादक होता है जो उस न्यूज़पेपर में जो है खबरों को छापता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये जो मैंने शिकायती पत्र लिखा है, देखो टॉपिक यही होता है, यानी कि बात यही होगी, जैसे आपके क्षेत्र में बिजली की व्यवस्था सही नहीं है, शिकायती पत्र लिखिए, ठीक है। तो दोनों जो है क्वेश्चन एक जैसे ही होते हैं, लेकिन उसमें जो सेंडर यानी कि भेजने वाले का जो पता होगा वो आपको अलग अलग देखना है। संपादक वाले में संपादक को लिखना होगा, शिकायती में बिजली विभाग के अधिकारी को लिखना होता है। जैसे आप देखिए, सेवा में श्रीमान संपादक महोदय, अब आपको ध्यान रखना है कि संपादक को जब पत्र लिखेंगे तो संपादक के लिए आप लिखेंगे, ठीक है, और किसी न किसी अखबार का नाम लिखना है, समाचार पत्र का नाम लिखना। नवभारत टाइम्स आपने लिखा, फिर बहादुर शाह जफर मार्ग दिल्ली आपने बता दिया कहाँ पर है, विषय। अब और फिर उसके साथ आप इसकी जगह पर और भी किसी अखबार का नाम लिख सकते हैं, समाचार पत्र का, जैसे आप दैनिक जागरण भी लिख सकते हैं, आप कोई भी अखबार का नाम लिख सकते हैं, लेकिन आपको ये लिखना बहुत ज़रूरी, क्योंकि ये 1 मार्क्स का होता है, टोटल 5 मार्क्स का होता है पत्र, और ये आपका जो इतना लिखने का ही 1 मार्क्स का है। फिर है विषय, विषय हमेशा सबसे छोटे से छोटा आप लिखें, बड़ा नहीं लिखना होता, बच्चे क्या करते हैं पूरे ही लाइनें जो हैं वो उतार देते हैं विषय के लिए, लेकिन आपको क्या करना है, बिजली की व्यवस्था सुधारने हेतु पत्र, तो कम से कम में बात आपकी पूरी होनी चाहिए। अब इसमें बच्चे करते हैं पूरी लाइन लिख देंगे, आपके क्षेत्र में ये व्यवस्था सही नहीं, इसलिए संपादक को पत्र, ऐसा आपको नहीं करना है। फिर इसके बाद आपका ये भी हाफ मार्क्स का यानी कि आधे नंबर का होता है, तो 5 मार्क्स कैसे डिवाइड होंगे वो भी बताते जाऊँगी मैं आपको। फिर आपका आएगा महोदय मैं, अब इसको आपको सभी निवेदन से स्टार्ट नहीं करना है, शुरू नहीं करना है, आपको किससे करना है, मैं, क्योंकि आप जो है किसी किसी क्षेत्र के निवासी हैं तो आप बताएंगे मैं दीपा, कोई भी नाम जो भी आपका नाम है वो लिखेंगे, इस क्षेत्र यानी कि सीलमपुर क्षेत्र की निवासी हूँ, हमारे क्षेत्र में बिजली की व्यवस्था सही नहीं है, बिजली दिन में 4 से 6 घंटे ही आती है, जिस कारण हमारे दैनिक कामकाज भी नहीं हो पाते हैं। आपने ये अपनी समस्या बता दी है, बिजली आने के कारण जो है क्षेत्र में चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। आप और भी इसमें बता सकते हैं कि हम पढ़ नहीं पाते हैं और जो है दैनिक कार्य नहीं हो पाते, सारे काम आप उसमें बता देंगे। फिर लास्ट में आपको जो ध्यान रखना है कि जो चीज़ ऐसे हम लिखते हैं, जैसे कृपया आपसे अनुरोध है कि हमारे क्षेत्र की बिजली की समस्या का जो पत्र है आप अपने दैनिक समाचार पत्र में छापे। अब यहाँ पर आपको ये नहीं लिखना, ये ध्यान रखेंगे कि आप संपादक से अनुरोध नहीं करेंगे या संपादक से नहीं कहेंगे कि हमारे क्षेत्र की जो बिजली की समस्या आप ठीक करें। आपको क्या लिखना है कि कृपया आपसे अनुरोध है कि जो हम ये पत्र लिख रहे हैं, इस पत्र को, हमारी जो समस्या है उसको अपने समाचार पत्र में छापें। आपको ये लिखना, आपको, क्योंकि वो संपादक जो है वो बिजली अधिकारी नहीं है जो आपकी समस्या को, बिजली की समस्या को दूर करेगा, वो क्या है, एक संपादक है जो तुम्हारी समस्या को अपने समाचार पत्र में छाप देगा, आपको वो बताना है, जिससे कि बिजली, फिर क्या होगा जब वो छापेगा तो उसे, उस अखबार को जो भी लोग पढ़ेंगे उनका ध्यान आकर्षित होगा, बिजली अधिकारी पढ़ेंगे तो वो वहाँ की आपकी समस्या को ठीक कर देंगे। फिर आपको लास्ट में धन्यवाद लिखना है, धन्यवाद जो लिखना है वो आप ऐसे टेढ़ा नहीं लिखेंगे, उसको आपको सीधा लिखना है धन्यवाद, और ये जो आपका है 3 मार्क्स का आता है, ठीक है। फिर आप भवदिया लिखेंगे, भवदिया नहीं लिखेंगे, ये नहीं लिखना, भवदिया जो है वो लड़के लिखते हैं और भवदिया जो हैं लड़कियां लिखती हैं, यानी कि छात्रा लिखती हैं और ये छात्र लिखते हैं। काखागा आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, लेकिन काखागा लिखना ज़्यादा अच्छा होता है। न्यू सीलमपुर आपने अपना पता लिखना है और दिनांक, तो इसका हाफ मार्क्स होता है, तो आपके जो 5 मार्क्स है बिल्कुल डिवाइड हो जाए, देखो एक आधा यहाँ और ये 3 और फिर आधा, तो आपके 5 मार्क्स हो गए हैं, नंबर हो गए। कैसे आपको डिवाइड करने हैं, ध्यान रखना है आपको, ये जो पत्र है ये संपादक के लिए है, तो आपको, आपने जहाँ पत्र भेजना है वो भी आपका हो गया, जहाँ भेजना है, और आपने अपना पता भी लिखना है। बच्चे क्या करते हैं,
इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, बिजली अधिकारी को पत्र। नहीं, जब संपादक के लिए आता है तो आपको संपादक का पत्र लिखना है, जिसमें आपको किसी न किसी अखबार का नाम लिखना ही है। और आपको जो भी अब इसमें समझना है आप मुझे बता देना, आपकी आपको ये बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको शिकायती पत्र बताऊँगी, जिसमें आपको बताया जाएगा कि ये पता कैसे लिखा जाएगा और बाकी चीज़ें कैसे आपको बतानी है, ठीक है, कैसे करनी है।